अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स अकेडमी। स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक पार्ट टू इंग्लिश चैप्टर नंबर टू स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि इस चैप्टर का टॉपिक क्या है। तो इस चैप्टर का टॉपिक है चाइनीज़ न्यू ईयर, चीनी लोगों का नया साल, या चाइना के लोग नया साल कैसे मनाते हैं। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि चाइना वाले अपने नए साल का आगाज़ किस तरह से करते हैं, कौन से इनके फंक्शंस होते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर पर, और कौन से रस्म और रवाज ये पूरे करते हैं चाइनीज़ न्यू ईयर पर। ठीक है, तो हम इसे पैराग्राफ वाइज डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि राइटर ने हमें बताने की क्या कोशिश की है। तो सबसे पहले आता है पैराग्राफ नंबर वन। तो इसमें इंट्रोडक्शन बताया गया चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में। चाइनीज़ न्यू ईयर एक छुट्टी का दिन होता है। इस दिन मतलब चाइना के पूरे चाइना में छुट्टी होती है और सभी लोग छुट्टी मनाते हैं, एक ऑफिशियल छुट्टी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, और ये लूनर कैलेंडर के मुताबिक साल के आगाज़ में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि लूनर कैलेंडर क्या है। लूनर कैलेंडर मतलब कमरी कैलेंडर। ये चांद की मुख्तलिफ इशकाल की बिना पर इस कैलेंडर को डिज़ाइन किया जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे सोलर कैलेंडर है, हम सोलर कैलेंडर फॉलो करते हैं जो कि ज़मीन के सूरज के गिर्द घूमने पर मुनहसर करता है कि कैलेंडर कैसा होगा। ठीक है, तो इसी तरह ये चांद की मुख्तलिफ इशकाल पर डिपेंड करता है ये लूनर कैलेंडर, और ये चाइनीज़ लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। और जब लूनर कैलेंडर के मुताबिक एक साल पूरा हो जाता है तो तब चाइनीज़ लोग चाइनीज़ न्यू ईयर मनाते हैं उस दिन को, और उस दिन ऑफिशियली जैसा कि अभी मैंने बताया कि गवर्नमेंट की तरफ से पूरे चाइना को छुट्टी होती है। ठीक है, और जो चाइनीज़ न्यू ईयर है ये मुख्तलिफ रस्म व रवाज, आप एक दूसरे दोस्तों को आपस में मिलने, दोस्तों को तोहफा देने, और मुख्तलिफ रस्म व रवाज को मना कर ये दिन मनाया जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि चाइनीज़ न्यू ईयर वाला दिन हर साल एक ही दिन आए, ये मुख्तलिफ दिन आगे पीछे दिन होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर ये ज़्यादातर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान आता है ये चाइनीज़ न्यू ईयर, और ये किसी भी दिन मना सकते हैं, और पूरे महीना इसकी तकरीबात जारी रहती हैं, पूरे महीना इसको मनाया जाता है चाइनीज़ न्यू ईयर को। ठीक है, अब इसके बारे में रस्म व रवाज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से रस्म व रवाज मनाए जाते हैं। तो पैराग्राफ नंबर टू में सबसे पहली जो बात की गई है वह है क्लीनिंग द हाउस एंड वेयरिंग न्यू क्लोथ्स। मतलब जब चाइना के नए साल का मौका आता है तो सभी लोग अपने घरों को साफ़ करते हैं, अपने कमरों को, अपने पूरे घरों को साफ़ करते हैं, क्योंकि चाइनीज़ लोगों में ये एक नज़रिया है, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नए साल से पहले अपने घर को साफ़ करते हैं तो घर में जो बुरे साए हैं, बदरूहें हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। मतलब पिछले साल की अगर कोई नहूसत वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएगी, और सफाई करने से पूरा घर साफ़ हो जाएगा, और इससे हमारे घर में खुशकिस्मती आएगी, ऐसा कॉन्सेप्ट चाइनीज़ लोग रखते हैं। तो इसलिए वो नए साल के मौके के एक दिन पहले, जैसे ही नए साल जिस दिन हैप्पी न्यू ईयर डे मनाया जाता है उस दिन से एक दिन पहले ये अपने घरों की सफाइयाँ मुकम्मल कर लेते हैं, अपने घरों को अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं ताकि वो खुशकिस्मती को खुशामदीद कह सकते हैं और उनका नया साल अच्छा गुजरे, ऐसा उनका कॉन्सेप्ट है। और दूसरा है वेयरिंग न्यू क्लोथ्स, वो नए नए कपड़े पहनते हैं। और चाइना में सुरख रंग को बहुत ख़ास समझा जाता है, और इसे रिलेट किया जाता है कि जो सुरख रंग पहनता है उसमें वो ताकत हो जाती है कि वो बदरूहों से मुकाबला कर सके, बदरूहों से लड़ सके। और जबकि इसके बरक्स जो ब्लैक कलर है, काला रंग, इसे पहनने से मना किया जाता है, इसे पहनने वाले की तनकीद की जाती है कि वो काले रंग को ना पहने क्योंकि ये मौत से रिलेट करता है, मौत से इसका कोई रिलेशन है या इसका कोई ताल्लुक है काले रंग का, तो इसलिए काले रंग को पहनना चाइना में मना करार दिया गया है, वो सुरख रंग को ज़्यादा अहमियत देते हैं। अब बात कर लेते हैं पैराग्राफ नंबर थ्री के बारे में। और पैराग्राफ नंबर थ्री में डेकोरेटिंग द हाउसेज के बारे में है, मतलब सजावट का काम। हमें पता है कि नया साल होता है तो सजावट सब लोग करते तो हैं, लेकिन चाइना में एक ख़ास तरीके से सजावट की जाती है। वो अपने घरों के दरवाज़ों पर एक बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं जिन पर लिखा होता है वर्ड फू, FU। इसका मतलब होता है खुशकिस्मती, गुड लक। तो चाइनीज़ लोगों में ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये पोस्टर अपने घरों के बड़े बड़े दरवाज़ों पर लगाने से उनके घर में खुशकिस्मती आएगी और उनका अगला साल अच्छा गुजरेगा, एज अ गुड लक के तौर पर वो पोस्टर लगाते हैं अपने दरवाज़ों पर। और बहुत सारी सजावट भी करते हैं, सुरख रंग अभी मैंने बताया कि वो सबसे ज़्यादा खास समझा जाता है, तो सुरख रंग से ज़्यादा सजावट की जाती है। और इसके अलावा वो अपने घरों के लिए फूल खरीदते हैं, ये भी एक तरह से
आने वाली बहार की इलामत होती है कि नई स्प्रिंग आने वाली है, बहार आने वाली है, नया साल का आगाज़ होने वाला है, तो वो घरों के लिए फूल खरीद ले ताकि घरों को सजाया जा सके। तो ये था पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 4 का जो टाइटल है वो है न्यू ईयर एव डिनर। नए साल के मौका पर वो रात के वक्त एक डिनर करते हैं जिसमें बहुत सारे खानदान अपने रिलेटिव्स तकरीब में शामिल होते हैं। वो सबको इनवाइट करते हैं और 8 से 9 डिशें बनाते हैं। 8 से 9 डिशें, ये एक मखसूस नंबर बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। 8 नंबर होता है प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, जबकि 9 नंबर रिलेट करता है, इसका वास्ता है लॉन्ग लास्टिंग से, उम्र दराजी से, लंबी उम्र से। वो सोचते हैं कि 8 नंबर 8 खाने बनाएंगे, 9 खाने बनाएंगे तो इससे हमारे घर में खुशहाली आएगी, हमारी उम्रें लंबी होंगी, हमें उम्र दराजी होगी। ठीक है, तो ये खाने के बारे में कॉन्सेप्ट है कि वो बहुत सारी मुख्तलिफ खाने बनाते हैं, डिशेज़ बनाते हैं और आफ्टर सब मिलकर रिलेटिव्स खाना खाते हैं और नए साल का आगाज़ करते हैं। और जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसका टॉपिक है गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुशहाली के, खुशकिस्मती के तोहफे देना। देखिए, चाइना में ये एक रवाज समझा जाता है कि जब भी नया साल होता है तो जो घर के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो तोहफे खरीदते हैं। एक लाल रंग के लिफाफे ज़्यादातर खरीदते हैं और लाल रंग के इनवेल्प भी खरीदते हैं जिनमें पैसे रखे जाते हैं। और ये एक रवाज है कि घर के जो बड़े हैं वो घर के छोटे बच्चों को लाल रंग के लिफाफे देते हैं जिनमें उनका इनाम होता है, उनका तोहफा होता है, कह सकते हैं तोहफा होता है। तो वो कुछ ऐसा, जिस तरह मुसलमानों में ये ईद नहीं मनाई जाती कि ईद ईदी दी जाती है, उसी तरह का सेम टू सेम कॉन्सेप्ट चाइनीज़ न्यू ईयर पर ये मनाया जाता है। तो वो जो घर के बड़े हैं वो छोटे बच्चों को इन्वेल्प देते हैं, तोहफे देते हैं। और घर के बड़े जो हैं वो घर के जो अनमैरिड पर्सन्स हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, वो उनको भी तोहफे देते हैं। ये भी एक रवाज है और ये एक तरह से पैसे देना, तोहफे देना, ये अगले साल की खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है अकॉर्डिंग टू चाइनीज़। ठीक है, ये हो गया पैराग्राफ नंबर 5। अब हम पढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 6। ये है ओनर ऑफ एनिमल। देखिए, चाइनीज़ लोगों में ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है कि अगर कोई मुख्तलिफ जो साल के मुख्तलिफ महीने हैं वो मुख्तलिफ जानवरों से रिलेट करते हैं। अगर कोई इस महीने में पैदा होता है तो ये महीना जिस जानवर से रिलेट करता है उस महीने में पैदा होने वाले बच्चे में वही खासियत होगी जो कि उस जानवर में खासियत होती है, ऐसा ये एक कॉन्सेप्ट समझा जाता है। और 12 महीने हैं तो ये 12 इस तरह 12 जानवर होंगे और उनसे ये रिलेट किया जाता है कि इस महीने में पैदा होने वाले में इस जानवर की खासियत होगी, ऐसा चाइनीज़ लोगों में ये कॉन्सेप्ट समझा जाता है। और पैराग्राफ नंबर 7 में राइटर कहता है कि चाइनीज़ न्यू ईयर एक ऐसा मौका होता है जो कि चाइनीज़ लोगों को मौका देता है कि वो अपने ख़ानदान, अपनी सारी फैमिली के साथ मिल बैठकर बैठें, उनके साथ खाना खाएं और अपने नए साल का आगाज़ करें जो कि एक एज अ न्यू बेटर स्टार्टअप हो, मतलब नए साल का अच्छा आगाज सारी फैमिली के साथ बैठकर खाने खाकर गिफ्ट देकर। तो ये बहुत सारी तकरीबात इसी तरह चाइनीज़ लोग मनाते हैं अपने नए साल के मौका पर। तो ये 7 पैराग्राफ थे, इनको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। अगर कोई भी क्वेश्चन इन पैराग्राफ्स के बारे में हो जिसके बारे में आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।